हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। असल में यह कहानी स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जाके वहाँ के लोगों को सुनाई थी। इस कहानी में दो मेंढक हैं, एक समुद्र में रहता है, एक खूह में रहता है। वह एक दिन अचानक खूह में गिर जाता है, जो समुद्र का मेंढक होता है। तो खूह का मेंढक समुद्र वाले मेंढक से पूछता है कि भाई तुम कहाँ से आए। तो समुद्र वाला मेंढक कहता है कि मैं समुद्र से आया। तो वो जानने के लिए कि कितना विशाल है, कितना बड़ा है समुद्र, वो दो छलांग लगा देता है खूह में। कहता है भाई आपका समुद्र इतना बड़ा है। तो समुंदर वाला मेंढक मुस्कुरा लेता है, वो कहता है कि भाई समुंदर बहुत विशाल है। तो वो जो खूह का मेंढक होता है, वो राजा होता है उस खूह का, सारी जिंदगी वहाँ ऐश करता है, रंग तमाशे दिखता है। वो अपने सेनापति को हुक्म देता है कि भाई आप इस खूह का चक्कर लगाओ। तो सेनापति खूह का चक्कर लगाता है तथा अब खूह का मेंढक कहता है कि भाई आपका समुद्र इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे विशाल नहीं हो सकता। बट जो समुद्र का मेंढक है वो कहता है कि यह खूह समुद्र की क्या तुलना करेगा, समुद्र के सामने ये खूह तो एक बूंद के समान भी नहीं है। ऐसे लाखों खूह इस समुद्र में समा सकते हैं। तो खूह वाला मेंढक उसकी बात पे विश्वास नहीं करता तथा अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि इसको मार मार कर बाहर फेंक दिया जाए। तथा उसके बाद वो खूह वाला मेंढक वहीं रहता है, वहीं रहता है, और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान बहुत विशाल है तथा हमें उस पे फेथ करना चाहिए, तथा जो हमें आता है वो बहुत कम है, तथा हमें अपने मन की नैवनस को त्यागना चाहिए, तभी हम विशाल ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। अन्यथा हमारी जो मन की नैवनस है वह हमें ऊपर नहीं उठने देगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज से अपने मन की नैवनस को त्यागो। जो आपके टीचर्स आपको समझाते हैं उसको अच्छी तरह से सीखिए तथा एक दिन आप उस समुद्र रूपी ज्ञान में डुबकी लगाकर अपने आप को आनंदित करोगे। ओके, बाय।